नमस्कार 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 माँ, मदर्स डे स्पेशल के इस शो में आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए ये देखते हैं। जिंदगी के पन्ने और खोलते हैं और उसके लिए शुरू से शुरुआत करते हैं। उसके लिए एक बहुत स्पेशल इंसान आपके लिए ये कहना चाहता है। हमारी 3 पीढ़ियों के बाद कोई लड़की हमारे घर में जन्म लिया उसने, और जब वो पैदा हुई तो एकदम गोल मटोल जैसे डॉल होती है। उसने जब नर्स ने ला के अम्मा की मतलब उसकी दादी जी की गोद में लिटाया तो अम्मा तो जैसे खुशी के मारे रोने ही लगी, और सब इतने खुश थे अंशु को देख के। और वो एकदम काले काले बाल उसके घने, बिल्कुल इतने बच्चों के होते नहीं हैं, काले एकदम बाल खूब घने और खूब मोटी सी थी जब हुई, खूब हेल्दी थी वो। और बस वह बचपन से ही वो इतनी सेंसिटिव थी कि मतलब सब इतना सबको प्यार करना, कोई भी बात हो तो आगे बढ़ के मम्मी मैं करूँगी, या कोई बच्चे जिद करेंगे तो कहेंगे नहीं मम्मी इन्हें दे दो मैं बाद में ले लूँगी। तो ये उसकी सहनशीलता धैर्य और उसकी, और फिर पढ़ाई लिखाई में सब बहुत होशियार, गोल्ड मेडलिस्ट MSc में गोल्ड मेडल लाई, तो वो हमें इतना मतलब प्राउड फील हुआ। उसके बाद जब शादी हो गई तो फिर बच्चे तुम लोग हुए तो उसका बचपन मतलब ख़त्म हो गया, माँ का रोल आ गया जीवन में। तो माँ का रोल क्या था उसको अंशु को कहूँगी कैसी है अंशु, क्या है या उसका मतलब कैसा उसका वो है। तो जब मैं मनु और आयुष को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों बच्चे ही उसका आईना है, इनकी सच्चाई, इनकी काम करने का ढंग, पढ़ाई लिखाई, होशियारी, सफलता, मिलनसारता, सच्चेपन से बिजनेस करना, मिलना सबसे अच्छे से स्वभाव, अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र, ये सब देखती हूँ तो मुझे लगता है अंशु ये बहुत सफल माँ है। इससे ज़्यादा सफल और कौन होगा जिसने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। की हिम्मत किसकी थी? हमारे बहुत मेरे इसकी हालत नहीं, दीदी से नहीं हो सकती। पापा का ऐसा था, थोड़ा हमें डर तो था ही, बड़ी तो थी और वो गुस्सा बहुत गुस्सा भी। और अमित मामा का और मम्मी का भी कभी मारपीट वाला, कभी झगड़े मुंह से हुए। अमित भी गंभीर था, बस फिर हमने बाहर की कुंडी में डोरी बांधी रात में, और रात में खटखट करना शुरू करा कि डरेगी। और वो कहा वो पहले तो डरी वरी थोड़ा, वो डोरी भी टूट गई जल्द आई, सुबह उन्हें पता चला कि अच्छा डोरी बंधी थी महाराज, थोड़ा तो डर। उसके जो था बचपन में स्कूल, हम तो पैदल गए ना साथ साथ, तो साथ साथ स्कूल जाना और पैदल जाना, तो रास्ते भर में कुछ भी है तो बस तीनों लोग अपना चले गए, हाथ में हाथ डाले गए साथ ही घर में मुझे पैसे। फिर लौटते हुए क्या चूरा मुड़न खाते रात
नारी शिक्षा के बाहर मिलता होगा वो, उसमें वो चूरन भी तो होता ना, उसमें चूरन डाल के देता तो समझदार। तो जैसे हम लोग तो उसे बहुत जेब खर्चा नहीं दे सकते थे समोसे वमोसे खाने के लिए, और उसकी जो आरती अलका फ्रेंड थी वो रोज 5 रुपए तो जितने भी उस वक्त के हिसाब से काफ़ी पैसे लाती थी, और मैं पराठे अचार देती थी इसे। तो यही कहती थी भाई नहीं हम ऐसे फास्ट फूड नहीं खाते, और हम तो अच्छी मतलब ऐसी टाइप फूड खाएंगे। तो वो भी लाने लगी, फिर कहने लगी हम नहीं लाएंगे, हम भी पराठे लेने ले जाएंगे। तो वो भी फिर पराठे लाने लगी इसकी कहने से दोनों। और वो मिर्च का अचार जो मैं कैंची से काट के डालती थी उन्हें दोनों को बहुत पसंद था, तो वो खूब सारे डिब्बे भर भर के दे देती थी। तो सब लोग पराठे से वहाँ खाते थे, स्कूल में उनके समोसे छुड़वा दिए उसने। हम लोग घूम रहे थे, मुझे बाली मिल गई गाँव में, बाली मिली जीजी को मिल गई, हमने देते हुए आ रहे थे तो खुश थी बहुत की डॉल के साथ खेलेंगे। रस्ते में मेहरी भी मिली, उसने कहा हमें दे दो ये तो बेकार है फेंक दो, तो वो जीने का नहीं नहीं हम कर लेंगे बेकार है पीतल की है तो कोई बात नहीं हमें। तो बाद में घर पहुँचे तो मम्मी बोली अरे तो सोने की वाली किसकी कहाँ से ले आए, तो मैं स्कूल में मिली तो अगले दिन स्कूल भेजी गई। तो किसी भी बच्चे की थी तो जी जी ने जब प्रिंसिपल को दी तो वो उसके पेरेंट्स बुलाए गए होंगे, तो वो फिर मिठाई उठाई का डिब्बा लेके आए, जी जी को शाबाशी मिल गई शाबाशी। वाह, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं इस होनहार व्यक्ति से। हैप्पी मदर्स डे मॉम, आई लव यू वेरी मच। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इतनी स्पेशल हो कि मैं 1 मिनट के वीडियो में बताना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं जितने शब्दों में बताने की कोशिश करूं, शब्द छोटे पड़ते हैं। मैं आपका एक छोटा सा एक्सटेंशन ही हूँ। हमने कितने सारे शहर बदले, गाज़ियाबाद से गए बॉम्बे, बॉम्बे से गए राउरकेला, राउरकेला से गए कोसाम्बा, कोसाम्बा से गए विशाखापट्टनम। हर 4-4, 5-5 साल से हमारा शहर बदल जाता था, मेरा स्कूल छूट जाता था, हमारा मकान छूट जाता था, मेरे सारे दोस्त छूट जाते थे। लेकिन इस सब में मेरी एक कॉन्स्टेंट बेस्ट फ्रेंड थी, वो हैं आप। इतने सारे चेंजेस से इतना फास्ट फास्ट कोप अप करना मुझे किसने सिखाया? आपने। जब भी मन में डाउट आता था, मन घबराता था, आप सर पे हाथ फेर के बोलती थी सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक हो जाता था। आज भी आपके मैजिकल वर्ड्स में वही असर है। आई लव यू मॉम, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आप और डैड मेरे पिलर्स ऑफ सपोर्ट हैं, जिसके ऊपर आज मेरी पूरी दुनिया खड़ी है। अब इनके बिना तो शो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आइए सुनते हैं। हेलो, हैप्पी मदर्स डे। हेलो मॉम बोलना था ना? चलो हेलो मॉम। हैप्पी फिर से। 1 2 3 हेलो मॉम, हैप्पी मदर्स डे। आज के मदर्स डे के इस शुभ अवसर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मॉम कि एक तो मदर्स डे ऐसा दिन है जो आपके लिए छुट्टी वाला दिन होना चाहिए, क्योंकि रोज़ आप मदर्स डे ही करती हो, हमारे लिए सालों से करती आ रही हो, और ऐसी आप में जो शक्ति है मदर्स डे रोज़ मनाने की वो किसी में नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, मदर्स डे एक छुट्टी का दिन होना चाहिए। इस माँ की शक्ति के बहुत उदाहरण हैं, इतने उदाहरण हैं कि मैं आज इस एक वीडियो में पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे हिसाब से एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जब मेरा NID का स्टूडियो टेस्ट था, जो फाइनल टेस्ट था, उसमें मेरे को दिख रहा था कि मेरे बाकी जो कंटेस्टेंट्स कह लो आप, या बाकी जो एप्लीकेंट्स थे, वो बड़े बड़े पेंटिंग्स वास स्टैचूज ला रहे थे, और मैं डरा हुआ था। स्टूडियो के रूम, इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले मैंने 1 सेकंड अपनी आंख बंद करी और मैंने बस मम्मी को विजुलाइज किया, और मेरे जो दिल में जो एक सुकून, एक
ठंडक पहुंची और एकदम शांत हो गया और उसकी वजह से मैं बहुत आराम से मैंने इंटरव्यू दिया और आपको तो पता है अब बाकी क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से मॉम की जो ये एनर्जी है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, ये मैंने खुद महसूस किया है, काफ़ी लोगों ने महसूस किया है। एंड थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनर्जी, दिस लेवल ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू हैव एंड दैट यू कैरी। थैंक यू मॉम। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं। 35 साल से ये इंसान इनको बहुत अच्छे से जानता है। इनकी हाइट इतनी लंबी है, उतना ही बड़ा इनका दिल है। आइए सुनते हैं इनसे। हेलो अंशु, ये बहुत ही एक यूनिक ओकेजन है कि मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि आई हैड ए वेरी रफ सॉर्ट ऑफ रफ चाइल्डहुड, ए वेरी लोनली यंग एज, और आपने मेरे जीवन में आके मेरे साथ परिवार बनाया और उस परिवार को आपने सींचा, उसकी केयर करी और हम सब लोग एक परिवार के रूप में आगे बढ़े और आपने अपना सब कुछ इस परिवार के लिए दिया। तो आपके लिए मैं और क्या कहूँ, बस इट्स रियली ग्रेट, थैंक यू फॉर बीइंग व्हाट यू आर। आज हमारे पास दो सरप्राइजेस हैं। बहुत दूर से इन्होंने ये सिलसिला तय किया है। एक है कोलकाता से, या ये कहिए राजस्थान से, और दूसरी है सागर मध्य प्रदेश से। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमको मम्मी 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 बोलने की 50 बार आदत होती है, मम्मी को सुनने की आदत होती है, हमको मम्मी चाहिए। और कुछ काम हो नहीं हो 50 काम भी होते हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वो बोलना भी कम कर देते हैं और हमको मम्मी तब तक लगभग बहुत कुछ सिखा चुकी होती है, तो हमको एवरीडे नीड्स के लिए नहीं चाहिए होती है। लेकिन मम्मी चाहिए होती है, मम्मी का होना ही अपने आप में एक सुपर पावर होता है कि बस है, चाहे वो अपने पास में है, यहाँ पे है, बाजू में है, या बहुत किलोमीटर्स दूर कहीं बैठी है, लेकिन वो होने के लिए थैंक यू। तो बात अचिंत के हल्दी की है। मैं बैठी थी साड़ी वाड़ी पहन के और पल्लू वॉज लाइक पीछे, और एक आंटी आई और बैग थोड़ा सा डीप था ब्लाउज का, तो आंटी ने उठा के मेरा पल्लू से बैग ढक दिया। मॉम पास में बैठी थी, तुरंत मॉम लाइक बैग गिराओ, पल्लू गिराओ। Who is she to tell मेरी बहू की you know बैग ढकना है। मैं लकी हूँ कि आप मिली, आपके होने के लिए थैंक यू। तो मदर्स डे पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा से जब से मैं इस घर में आई हूँ शादी होकर, मॉम ने हमें हम सबको इतना प्यार दिया है, मैंने देखा है इतना प्योर, इतना दिल से प्यार है, हर बच्चे के लिए इतनी केयर है, सब है हम सब के लिए, हम सबको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो मॉम भागी चली आती हैं, मॉम सबकी केयर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, और उनका प्यार इतना प्योर है कि उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें एक अलग सा एक पावर फील होता है कि नहीं हाँ मॉम है तो हो जाएगा कोई भी काम है, तो वो एक फीलिंग है और बहुत ही मतलब प्योर है ये फीलिंग मॉम की तरफ से, हम सब की तरफ से। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि ये भगवान से हमेशा प्रे रहती है मेरी कि ये प्यार बस हमारा हर दिन बढ़ता रहे, और ये मदर्स डे एक स्पेशल है और आज एक स्पेशल इवेंट में बस मैं ये बता रही हूँ कि आई रियली लव यू सो मच एंड आपका प्यार हमें बहुत स्ट्रेंथ देता है। हैप्पी मदर्स डे मॉम। हैप्पी मदर्स डे। माफ कीजिएगा, शो हमें इस एक छोटे से पैकेट और एक बड़े से धमाके की वजह से यहीं पे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि बिना इनके मैसेज के हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इस शो को आगे बढ़ने दे ही नहीं रहे हैं। आइए सुनते हैं। Hey, I love you. It's Mother's Day. I'm wishing you Mother's Day. Happy Mother's Day, Daddy. You are special to me because you swim with me and I teach you swimming. It's awesome. अब हम इस मोड पे आ गए हैं जहां अब शो को हमें खत्म करना पड़ रहा है। कोई भी शो हो या कोई भी एक किताब का चैप्टर हो, अगर उसका अंत मीठा हो तो मजा ही आ जाता है। आइए
इस शो को हम एंड करते हैं इन कुछ मीठे शब्दों से। तू तो मेरे आंगन में खिलेगी, तेरी आहट से खिलेंगी चांदनी। तूने करने हैं साकार सपने मेरे, जो सजाए हैं मैंने तेरे लिए। जिस घर में जन्मती हैं बेटियां, मर्यादा अनुशासन जन्मता वहां। काव्य का सा भाव मन में गूंजता, घंटियां बजती हैं घर द्वार में। सीता है तू, सावित्री भी तू, लक्ष्मी बाई मेरी इंदिरा भी तू। तू तो कल्पना मेरी चांद छूएगी, रो न बच्ची मेरी हंस दे जरा। जन पर देवगण फूल बरसाएंगे, दादी नानी लोरियां गाने को बेचैन हैं। तेरे दादा तुझे ज्ञान सिखलाएंगे, मैं माँ हूँ तेरी क्या कहूँ मैं बता। बड़ी मन्नतों से मैंने पाया है तुझे।